जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। श्रद्धा से जो भी कार्य किया जाए, जो भी मनोइच्छा से किया जाए, जो भी कामना से किया जाए, यदि हम श्रद्धा से वह कार्य करते हैं, विश्वास के साथ वह कार्य करते हैं, आपका वह कार्य अवश्य पूरा होता है। आप देखेंगे आपके अंदर जो शक्ति है, आप किसी भी चीज में वह शक्ति को अभिमंत्रित कर सकते हैं। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। आप पानी को कितना प्रबल कर सकते हैं, एक गिलास पानी, आप इससे आपको वह शक्ति मिलती है कि आपके जीवन में जो भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, यदि धन धान्य की भी बहुत कमी है, आपके अंदर एक इतनी ज़्यादा प्रबलता आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी काम करना चाहेंगे, आपका वह कार्य हमेशा आपको सफलता ही मिलनी है। आप धन्य धन की इच्छा से यदि ये कार्य करते हैं तो आपकी वह मनोकामना भी अवश्य सफल होगी। दोस्तों, इसके लिए आपको यह कार्य करना है। आप सुबह के समय जब आप स्नान करते हैं, सोमवार के दिन आपको यह कार्य सोमवार के दिन करना है। और विशाख माह, वैसे तो कभी भी किसी भी माह में किया जा सकता है ये उपाय, लेकिन सोमवार के दिन विशेष महत्व रखता है। और विशाख का महीना चल रहा है, इस समय आप यह कार्य करते हैं, जल्दी फलीभूत होता है। इसके आपको असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। शीघ्र आप अपने समक्ष स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में एक गिलास में या तांबे के कलश में जल लेकर बैठ जाएं। सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ का अंगुष्ठ और जो अनामिका उंगली होती है, उन दोनों को मिलाकर, जो मैं ये मंत्र बोल रही हूँ, उस मंत्र का आपको 21 बार, 31 बार, 11 बार जाप करना है। आप जितनी बार भी कर सकते हैं, बल्कि आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे, यदि 51 बार कर लेते हैं तो उसका और जल्दी और श्रेष्ठ फल आपको देखने को मिलेगा। आप 108 बार कर लेते हैं, उसका और अच्छा प्रतिफल आपको मिलता है। आप जितनी बार आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है और आपके पास जितना समय है, उसके अनुसार आप 11, 21, 51, 108 जितनी बार आप जाप करना चाहें, उतनी बार आप ये जाप कर सकते हैं, उतनी बार इन शब्दों का उच्चारण। बस इस बात का ध्यान दें कि शब्द पूरे होने चाहिए, उसमें कोई उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। आप इन शब्दों को जब बोलते हैं, आप एक पूरा हो जाने दें, उसके बाद फिर दूसरा बोलें, यानी आप गिनती में गलती ना करें। आपको जितनी बार बोलना है, सबसे पहले आप अपने मन में इच्छा कर लें कि आप इतनी बार बोल सकते हैं। फिर आप चाहे गेहूं के दाने या चावल के दाने, कुछ भी आप अपने समक्ष, यदि आपके पास पुष्प है तो पुष्प लेके बैठ जाएं, उतने दाने लेकर, उतने पुष्प लेकर बैठ जाएं गिनकर। और जैसे आपने एक बार मंत्र उच्चारण किया, इन शब्दों का उच्चारण किया, उसके बाद वह उठाकर एक रख दें, उसके बाद दूसरा करें, उसके बाद तीसरा करें। जरूरी नहीं है आपको किसी माला से जाप करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस मंत्र का जाप करना है। आपको पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करना है, जो शिव जी का सबसे प्रिय मंत्र है। जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपको यह मंत्र, ये एक बार हुआ, इस तरीके से आपको 11, 21, 31, 51, 108 बार आप जितनी बार भी कर सकते हैं आप करें। और उसके बाद जो आपने अंगूठे के साथ अपने उंगली को मोड़ के रखा था, दोनों को मिला के रखा था, उस उंगली को उस जल में 3 बार भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ को याद करते हुए और अपने मन की मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी इच्छा है, उस जल में घुमा लें और 2 मिनट हाथ जोड़कर विनती करें प्रभु से और उस जल को पी जाएं। कुछ जल आप अपने घर में पहले छिड़क दें और उसके बाद उस जल को आप पी जाएं। ऐसा आपको प्रति सोमवार करना है, जब तक आपको फायदा ना हो। वैसे विश्वास है मुझे कि 2-3 सोमवारों में आपका काम तो हो ही जाएगा, लेकिन आप करना चाहें तो ये प्रक्रिया करते रह सकते हैं, क्योंकि इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, एक उत्साह भरा आपका मानसिक स्थिति हो जाएगी
और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने लगेगी। यदि आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं, तो आप ये कार्य करेंगे उसके बाद लोगों के बीच में आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आपके अंदर की पावर बढ़ जाएगी। आप जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, वह आपसे कहीं ना कहीं इम्प्रेस होने लगेगा। और जिस भी आप कार्य में हाथ डालते हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे निकलेंगे। यदि आप जॉब में कोशिश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आपको जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। और यदि आप बिजनेस वाले हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है, ग्राहक आपकी दुकान पर आ ही नहीं रहे हैं, इस कार्य को करने के बाद अवश्य आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन विश्वास करके यदि करते हैं, आप मानकर चलिए, इससे आपको लगेगा कि क्या होगा, ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा। जो आपने मंत्र पढ़ा है, आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत भोले भाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। भोलेनाथ सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पे शक्तिशाली देव हैं। उनने जिस वस्तु को, जिसको देने के लिए जो उनने मन बना लिया, उसके बाद कोई देवी देवता उनके उस वर का अनादर नहीं कर सकता है। और भोलेनाथ इतने भोले भाले हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं, भोलेनाथ को समर्पित करके, भोलेनाथ को की पूजा करके, उनके मंत्रों का उच्चारण, उनके नामों का उच्चारण, उनको एक लोटा जल चढ़ाना, उनको पुष्प चढ़ाना, उनको बेलपत्र चढ़ाना, शमी पत्र चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, जो भी आप कार्य करते हैं और जो भी इच्छा से करते हैं, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपका वह कार्य अवश्य पूरा करते हैं। लेकिन जो मैंने उपाय बताया है, इससे आपके कार्य तो सिद्ध होंगे ही होंगे, आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव यह रहेगा कि आपके अंदर एक शक्ति का उदय होने लगेगा। आप अपने अंदर देखेंगे कि कुछ पावर, कुछ अलग सी ही पावर आने लगी है, और आप कोई भी कार्य करने में पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे साथ मेरे प्रभु, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं। अभिमंत्रित करके जल को पीना एक बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आप कुछ अवसाद की स्थिति में हैं, कुछ दुख की स्थिति में हैं, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो भी आप यह उपाय करते हैं, या आप किसी दूसरे के लिए भी उपाय करके देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो जल तैयार किया है वह आप स्वयं ही पी सकते हैं। आप अपने किसी परिवार के मेंबर को लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई जो असाध्य है, या कोई परिवार का मेंबर डिप्रेशन वाली स्थिति में है, दुखी है, आप यदि ये कार्य करते हैं और जब इसका ये जल आप घर में छिड़कते हैं, घर में पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा, आपके पूरे घर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाती है, आपके घर में हर कार्य शुभ होने लगता है। जिस भी मन से कर रहे हैं, जिस भी इच्छा से कर रहे हैं, आपका वह कार्य तो सिद्ध होता ही होता है। और आप यदि किसी परिवार के मेंबर को भी करके ये जल पिलाते हैं, और यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, लगता है कि इसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, अवश्य अवश्य कार्य करें, वह जल उसे पिलाएं, क्योंकि अभिमंत्रित जल पीने के बाद आपका जिस भी मनोकामना से किया गया है, वह जल में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि आप हर कार्य सिद्ध होने लगता है। आप कर देखें, विश्वास करें, श्रद्धा करें रखें, और एक बार यह उपाय अवश्य कर देखें। आप दिन भर में देखेंगे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जल, सादा जल, आप उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, सिर्फ आपको एक शक्ति लाना है, उसमें अपने इष्ट का अक्ष उतारना है, उनका आशीर्वाद उतारना है। और जब वह जल में भगवान का आशीर्वाद आ जाता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आ जाता है, उस जल को आप ग्रहण करते हैं, उस जल को आप अभिमंत्रित कर ग्रहण करते हैं, आप मानकर चलिए कि आपके अंदर एक ऊर्जा का एहसास होने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा का, और वह जो सकारात्मक ऊर्जा है वही आपको हर कार्य में सफलता दिलाती है। कर देखें, सोमवार के दिन करना है, सुबह स्नान करने की बात कर सकते हैं, या दिन भर में जब आपको लगे टाइम है, आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ पैर धोकर और ये कार्य कर सकते हैं। आपको दीपक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही कर सकते हैं। कार्य कर देखें, आप देखेंगे
कि आपके अंदर एक असीम शक्ति आ गई है और इस उपाय को तब तक जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता किसी से आप बताएं ना, मन ही मन रखें और जिस दिन आपका कार्य सिद्ध हो जाता है आप सबको बता सकते हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।